स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस2टी में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे बैकअप टाइप्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है आपको इसकी ज़रूरत क्यों है, बैकअप का इतना ज़रूरत क्यों है। तो बैकअप किस लिए चाहिए होता है उसको आप तीन हिस्से में समझ लिए। पहला होता है मिस्टेक। आप मान लीजिए कोई फाइल गलती से मिटा दिए, या आपका कुत्ता गलती से कुछ कर दिया कीबोर्ड पे, या बिल्ली कुछ दबा दी जो नहीं दबाना चाहिए था। तो गलती होती है, इंसान से होती है, जानवर से होती है, और बस होते रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, वो होता है। तो ठीक है, पहला गलती होता है। दूसरा होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में ऐसा समझिए कि कोई पावर स्पाइक आया और आपका हार्ड ड्राइव का पावर चिप ही उड़ा डाला, आपका हार्ड ड्राइव गया बेसिकली, या कुछ भी हुआ कि पानी गिर गया कंप्यूटर पे, या कुछ भी इस टाइप का जिसमें एक्सीडेंट है, जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर एंड में आता है माल फंक्शन। ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कोई अनंत अजर अमर चीज़ तो है नहीं जो कभी ख़राब नहीं होगा, कभी कुछ होगा नहीं उसका। तो सब मिलाने के बाद हिसाब ये बनता है कि तीनों में से एक ना एक चीज़ तो हो ही जाएगा आपके पास, आज नहीं तो कल हो जाएगा, और इससे आप कुछ खास कर नहीं सकते। आप कितना भी कह लीजिए नहीं हमसे कोई गलती नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप पे एक्सीडेंट पे तो कंट्रोल नहीं है। फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरा एक्सीडेंट पे भी पूरा कंट्रोल, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तो अनदर नहीं है। तो इसलिए यह ध्यान रखिए तीनों में से एक ना एक चीज़ तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। सवाल है कि वो जब होगा तब आप क्या करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर साल हो, या 5 साल में हो, या 10 साल में हो। ऐसा हो सकता है कि आप हार्ड डिस्क मतलब हर 4 साल में बदल रहे हैं हार्ड डिस्क, और आपका मतलब हार्ड डिस्क 4-4 साल तक आराम से चल जा रहा है, आराम से हो सकता है, कोई नई बात नहीं है। इसीलिए इंटरप्राइज सक्सेसफुली चल भी पा रहा है कि मतलब ये सब एक्सीडेंट ये सबको हैंडल करने का तरीका है। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैकअप के बारे में। तो पहले ये समझिए एक्टिव बैकअप ये होता है जिसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम चालू है, मतलब बंद नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा चल रही है। जो भी बैकअप है जिसमें बिजली का खपत हो रहा है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर में बिजली चल रहा है, एक्टिव बैकअप में भी बिजली जाता रहेगा, और एक्टिव बैकअप हर चीज़ को तुरंत तुरंत बैकअप कर सकता है। तो एक्टिव बैकअप के अंदर एक होता है फुल बैकअप, जिसका सीधा सीधा मतलब आपका 4 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव है, वो पूरा 4 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव को कॉपी करके रख दिया। दूसरा होता है डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल बैकअप। फुल बैकअप सब चीज़ तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वो जगह खाता है। मतलब समझिए 4 टेराबाइट का बैकअप करेगा तो आपको 4 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव रखना पड़ जाएगा। तो वो तो छोड़िए, जितनी बार आप नया नया बैकअप बनाते जाएंगे 4 करके टेराबाइट वो ऐड होते जाएगा, तो बहुत जल्दी जगह खत्म हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक इंक्रीमेंटल बैकअप सिस्टम लाए हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप जो बैकअप ले रहे हैं वो सिर्फ उसी चीज़ को रीराइट करें। मतलब वो पहले 4 टेराबाइट का बैकअप बना लिया जो आपके पूरे कंप्यूटर का है, ठीक है, बना लिया, उसके बाद वो सिर्फ उसी चीज़ में छेड़छाड़ करेगा जिस फाइल में आप काम किए हो। मान लीजिए कंप्यूटर में कई लाख फाइल होते हैं, तो सबके सब फाइल पे तो आप थोड़े काम कर रहे हो, आप 10 या 20 फाइल पे ही काम करोगे जो डेली पे आप काम कर रहे हो, कि यहाँ पे रसीद है, यहाँ पे अपना टैली रिकॉर्ड है, यहाँ जो भी है। तो वो सबको ही सेव करने का काम करेगा बैकअप, और उसको हम लोग इंक्रीमेंटल बैकअप करते हैं। तो इससे जगह ज़्यादा नहीं खपत होता है। फिर आते हैं हम लोग एक डिफरेंशियल बैकअप में। डिफरेंशियल बैकअप जनरली इंक्रीमेंटल से बेटर माना जाता है। इंक्रीमेंटल में ये फ़ायदा है कि जो चीज़ चेंज हो रहा है सेव करें, लेकिन जो चेंजेस किया गया वो चला गया है। मतलब आपने मान लीजिए फाइल सुबह सेव किया, आपने आए सुबह ऑफिस आए, काम किए अपना, सेव किए, चले गए, फिर दोपहर में दोबारा बैठे काम किए, कर लिए, कल आए बोले अरे दोपहर में हम कुछ गलती कर दी अपने फाइल में, हमको पुराना वाला फाइल चाहिए, वो नहीं मिलेगा इंक्रीमेंटल बैकअप में। उसके लिए आपको चाहिए डिफरेंशियल बैकअप, जो कि पुराने फाइल को रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, जिसमें आप वापस जाके उसको निकाल सकते हैं। तो ये कर पाना बहुत सारे इंडस्ट्री में कंपलसरी होता है, खास करके आर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री में। तो बैकअप्स के बारे में समझिए, ये ज़रूरी है। और फिर आता है डाटा आर्काइविंग के बारे में। तो डाटा आर्काइविंग ऐसे समझ लीजिए, बहुत जगह लॉ आपको रिक्वायर करता है, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कि आपके पास सारे चीज़ का रसीद होना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 10 साल पहले का है या 20 साल पहले का है, पहले दिन से आपके पास हर चीज़ होना चाहिए बैकअप करके रखा हुआ। गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, वो कितना मुश्किल काम है, आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपको सू किया जा सकता है। प्लस मान लीजिए टैक्स, कई बार टैक्स के सिस्टम चेंज होते हैं, आप ये कैसे प्रूफ करोगे कि आपने पुराने टैक्स सिस्टम का फॉलो किया है, क्योंकि जिस टाइम टैक्स बदलता है उस टाइम टैक्स के हिसाब से एक पूरा बिल बनाया जाता है, वो आपके पास अगर नहीं रहा तो कैसे कीजिएगा। तो ये सबको लिए हम लोग डाटा आर्काइविंग करते हैं, जो डेटा का कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आपके पास वो होना कंपलसरी है। मतलब अगर आपसे कोई बोला तो आप निकाल तो सको एटलीस्ट वो फाइल को। तो वो सब के लिए टेप डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, जिस पर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, किस तरह से आप इस सामान को हैंडल कर सकते हैं। तो ऑप्शन के मामले में आप ये समझिए कि कोई भी ऑप्शन, एक ऑप्शन परफेक्ट नहीं होता है। हर ऑप्शन का कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है, कुछ उसमें बेनिफिट होंगे, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कोई महंगा होगा, कोई सस्ता होगा। तो सब मिला के
आपको एक बैकअप सिस्टम नहीं सब प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ये कर लीजिए तो आपका टेंशन खत्म हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ऑनलाइन बैकअप के पीछे सब लोग आजकल पागल है यार, क्लाउड में बैकअप कर लो बहुत बढ़िया से खुश रहोगे, ठीक है ठीक है। उसमें से आधे से ज़्यादा लोग को पता नहीं है कि क्लाउड बैकअप का दाम बहुत होता है। तो गूगल ड्राइव में फ्री डेटा है 15 GB का, मेरा जेपेग मैं अपने DSLR से जितने फ़ोटो खींचाऊँ 15 GB से ज़्यादा तो मेरे पास जेपेग है, मतलब जिसको मैं एडिट कर चुका हूँ, रॉ फाइल तो मैं रख ही नहीं सकता, तो आप समझ लीजिए। और आप फ्री से ऊपर जाइएगा तो पर मंथ आपको पैसा देना है, और आप मान लीजिए एक महीना भी आप पैसा देना भूल गए, खत्म आपका डेटा गया, काम खत्म, बाय बाय स्वाहा। और मान लीजिए आप बड़े कंपनी को बैकअप करना चाह रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसको करने के लिए, मतलब 6-7 हज़ार रुपया पर महीने से लेकर 60-70 लाख रुपया पर महीने तक देना पड़ता है, जो कि लोग करते हैं। जब वैसे मान लीजिए कंपनी बहुत बड़ी है और उसका डेटा प्रायोरिटी बहुत हाई है कि मतलब उसका डेटा हर टाइम होना चाहिए बैकअप, और मान लीजिए वो ऐसा भी जगह है कि कई जगह से वो काम कर रहा है, मान लीजिए एक ब्रांच दिल्ली में है एक ब्रांच मुंबई में है, तो सबका बैकअप एक जगह मतलब क्लाउड में रख देने से फ़ायदा होता है कि कोई भी इंप्लॉई यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ वो सर्वर से अपना डायरेक्ट निकाल लेगा, तो क्लाउड बैकअप फ़ायदा है। लेकिन समझिए नुकसान भी है कि एक तो बहुत महंगा है, दूसरा कि अगर आप गलती से भी भूल गए काम खत्म आपका फाइल गया, और फिर ये बात आता है कि मान लीजिए वो कभी डाउन हो गया उसका भी सर्वर ही है, कुछ भी हो सकता है, और नहीं भी हुआ तो आपको कोई अटैक कर दिया, तो जैसे मान लीजिए आपके इंटरनेट पे कई बार होता है डीडॉस अटैक जिसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, तो वो आपके पे कर दिया, आप तो इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाओगे, आपका जो भी सिस्टम है वो इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाएगा, तो आपका बैकअप आप निकाल ही नहीं सकते, फंस गए। या मान लीजिए इंटरनेट डाउन हो गया आप फंस गए, तो इस तरह से मतलब ऐसा नहीं कि एक दवा से पूरा सारा बीमारी सॉल्व हो जाएगा, तो वो कुछ चीज़ में अच्छा है कुछ चीज़ में बुरा है। फिर आते हैं ऑफलाइन बैकअप, जो कि सब लोग कहते हैं कि सबसे मतलब सबसे पहले लोग यही सेटअप करते हैं कि अपने ऑफिस में इस तरह का सर्वर बना लेते हैं छोटा सा जिसमें सब चीज़ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब डेटा के मामले में आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा लगाइए, और ये आपका ही है उसमें, तो आपको कितना स्पीड चाहिए कितना रिडंडेंसी चाहिए कितना एक्यूरेसी चाहिए सब सब आप खुद ही करते हो। लेकिन मान लीजिए भूकंप आ गया आपके जगह पर, गया आपका बिल्डिंग गया ये भी गया, काम खत्म, तो दोनों का फ़ायदा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का फ़ायदा है। तो ये जैसा सिस्टम है ये ऑनलाइन आपके ऑन द स्पॉट है, लेकिन आप डेटा आर्काइव कर लीजिए, आप मतलब इस डेटा को निकाल के ब्लूरे में बर्न कर दीजिए या लॉट टेप्स में बर्न कर दीजिए, तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके पास एक ऑफलाइन बैकअप भी है जिसको आप दूसरे जगह पर रखेंगे फिजिकली, मतलब वो एक ही बिल्डिंग में नहीं होना चाहिए दूसरे जगह पर कहीं रखा होना चाहिए, तो वो सब करके मतलब ये ऑनलाइन को मिला के आर्काइविंग को मिला के नेटवर्क अटैच स्टोरेज को मिला के सब मिला के आप ऐसा बैकअप कर सकते हैं जिसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा कुछ भी हो जाने पे, तो ये समझ लीजिए। और ये सब को करने से पहले सबसे पहले आपको समझना है सबका दाम आप बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं, कि मान लीजिए आप ऑनलाइन में जरूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया और आपका नेटवर्क अटैच स्टोरेज छोटा पड़ गया, गया आप काम से, इस पर बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया ऑनलाइन बना नहीं पाए फिर भी आप गए, तो सब मिला के आपको ये बैलेंस करना ज़रूरी है कि कैसे आप सबको मैनेज कीजिएगा। तो फिर हम आते हैं कि अच्छा आप अपना डेटा जानिएगा कैसे कि क्या डेटा कहाँ रखना है, तीन रास्ता आपको मैंने बताया, पहला है कि आप अपना ऑफिस में इस तरह का या घर में नेटवर्क अटैच स्टोरेज रखिए, फिर दूसरा है कि ऑनलाइन रखिए, तीसरा है आर्काइव कीजिए। तो आप डिसाइड कैसे कीजिएगा कि कौन कौन कहाँ जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक सीधा गाइडलाइंस देता हूँ। पहला गाइडलाइन है मस्ट हैव इट नाउ, मतलब जैसे आप ऑफिस में आप काम कर रहे हैं ये फाइल आपको चाहिए, ये फाइल आपको अभी चाहिए, आप किसी क्लाइंट को डिलीवरी दे रहे हैं या आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है आपको ये फाइल चाहिए, कुछ भी हो आपकी गलती से ही डिलीट हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो फाइल वापस तुरंत चाहिए, तो उस केस में इस तरह के जो कि लोकल नेटवर्क होते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है, तुरंत चाहिए अभी चाहिए। दूसरे होते हैं मस्ट हैव इट, मतलब ये जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक वो फाइल होना चाहिए कि मतलब निकाला जाए, लेकिन एकदम उस पर ये नहीं कि अभी के अभी चाहिए, तो उस केस में ऑनलाइन स्टोरेज काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए फाइल का आप हर हफ्ते में एक बैकअप बनाते हैं जिसको आप रखते जा रहे हैं ऑनलाइन में, और मतलब आप उम्मीद करो कि कुछ ना हो, मान लीजिए ये ना ख़राब हो या ऐसा कुछ ज़रूरत ना पड़ जाए कि उससे निकालना पड़े, लेकिन रह सकता है। फिर एक आता है फाइल टाइप जिसको कहते हैं कुछ भी हो जाए वो खोना नहीं चाहिए, मतलब आप उसको शायद 10 साल तक ना देखो लेकिन वो फाइल हमेशा बचा रहना चाहिए, खास करके फोटोग्राफ में। जैसे CD के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि फोटोग्राफ का लॉस होना मतलब प्रिंट करने में भी ये फ़ायदा और नुकसान दोनों, फ़ायदा है कि आपके पास एल्बम है लेकिन एल्बम खो जाता है, पेपर का जो प्रिंट है वो ख़राब हो जाता है, और मान लीजिए अगर खूब बार आप एल्बम निकाल रहे हैं देख रहे हैं पानी पड़ गया उसमें काम खत्म। तो मेरे साथ ये बहुत बुरी तरह से हुआ है कि जैसे मैंने अपने पुराने कैमरे से जो फोटो ले रहा था उसको ठीक से बैकअप नहीं कर रहा था, तो और उसका कीमत ये भरना पड़ा कि एक दिन का पूरा फोटो उड़ चुका है मेरा, और वो दिन हम मैं और पूरी फैमिली घूमने गए थे, तो वो फोटो अब दोबारा कभी मिल नहीं सकता, मैं भले उसको रोज नहीं देखता लेकिन उसको खो देना बहुत भारी पड़ गया। तो वैसे फाइल को जिसको कहते हैं मस्ट नॉट लूज,
जिसको आप खो नहीं सकते, उसको आप आर्काइव कीजिए। आप टेप में आर्काइव कीजिए अगर बहुत बड़ा डेटा है, ब्लूरे में आर्काइव कीजिए अगर सिर्फ फोटो है या पिक्चर है या ऐसा कुछ है। तो सब मिला के आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और ये था मेरा प्रेजेंटेशन बैकअप के टाइप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, देखने में कुछ समझ में आया हो, मज़ा आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप घंटी ना भी बजें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।